नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में मतदान होने में चंद दिन बचे हैं और सभी राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर है। ऐसे में लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की मदद से NDTV का सर्वे काफी चौंकाने वाला है। वहां की जनता के मुद्दे कुछ और हैं और राजनीतिक दल अपनी मंजिल किन्हीं और मुद्दों के आधार पर तलाश रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में वोटरों के लिए बेरोजगारी और गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकनीति NDTV CSDS के सर्वे में शामिल 28% लोगों का मानना है कि इस चुनाव में बेरोजगारी कर्नाटक का सबसे बड़ा मुद्दा है। 25% लोगों ने गरीबी को दूसरे नंबर पर रखा है। राज्य के युवा वोटरों के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या है, वहीं ग्रामीण कर्नाटक में गरीबी बड़ा मुद्दा है। सर्वे के दौरान कम से कम 67% लोगों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उनके इलाकों में कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई चरम पर है और उनकी रोजमर्रा का जीवन काफी कष्ट देने वाला है। CSDS सर्वे के अनुसार कर्नाटक में भ्रष्टाचार आज भी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। सर्वे में आधे से अधिक करीब 51% मानते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा है, जबकि 35% का मानना है कि ये वैसा ही बना हुआ है। कई भाजपा समर्थकों यानी कि 41% ने कहा कि 2019 के पिछले आम चुनावों के बाद भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। लोकनीति NDTV CSDS के सर्वे में लिंगायतों और वोक्कलिगाओं के लिए कोटा बढ़ाने, मुसलमानों का 4% OBC कोटा खत्म करने और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रेट करने के लिए कहा गया था। सर्वे से पता चला कि सिर्फ 1/3 नए आरक्षण के फैसलों के बारे में जानते थे। नई कोटा नीति के समर्थक ज्यादातर वे हैं जो भाजपा के पक्ष में हैं, जबकि जो लोग इसका विरोध करते हैं वो सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस समर्थक हैं। सर्वे के दौरान टीपू सुल्तान की मौत से जुड़े विवाद पर सवाल पूछे गए। इसमें पाया गया कि 3 में से 1 शख्स इस बारे में जानता है और 74% का मानना है कि इस विवाद को उठाने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक में BJP से कांग्रेस में आने वाले वरिष्ठ नेता जगदीप शेट्टार ने कहा है कि BJP ने मुझे टिकट से मना करके न केवल मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, बल्कि उन लोगों का भी अपमान किया है जिन लोगों ने मुझे लगातार 6 बार चुना है। इसलिए मैंने BJP छोड़ने का फैसला किया। ये लड़ाई मेरे स्वाभिमान के लिए है। उनके छोड़ने से BJP को क्या नुकसान पहुंचेगा? इस पर उन्होंने कहा कि मेरा BJP छोड़ने का फैसला बिल्कुल पार्टी को प्रभावित करेगा। कम से कम 20 से 22 सीटों पर पक्का प्रभाव पड़ेगा। द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा अनुसरण पहले से ही लिंगायत नेता कर रहे हैं और वो BJP से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को PM मोदी को भगवान हनुमान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने बजरंग दल की तुलना भगवान हनुमान से की है, जो कि उनका अपमान है। साथ ही कांग्रेस ने PM मोदी से कहा कि उनको धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बजरंग दल और PFI जैसे कट्टर संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी और बैन किया जाएगा। इसी पर PM मोदी और विश्व हिंदू परिषद ने हमला बोला। PM मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। इससे पहले श्री राम को भी ऐसे ही ताले में बंद किया गया था। PM मोदी ने कहा कि उन सभी को कांग्रेस बैन करेगी जो जय हनुमान जी बोलेंगे। इसी के बाद कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा आज बुधवार दोपहर को अचानक जंतर मंतर पर महिला पहलवानों से मिलने पहुंच गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मीडिया समेत सभी लोग हैरान हैं, क्योंकि अभी कल तक PT उषा महिला पहलवानों के इस आंदोलन के खिलाफ बयान दे रही थी। उनका कहना था कि इससे देश की छवि खराब हो रही है और कहा था कि पहलवानों के प्रदर्शन करने से पहले समिति के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था। PT उषा के जंतर मंतर पहुंचने से ठीक पहले महिला पहलवानों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के अलावा बजरंग पुनिया की कल मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा याद करें। तीनों पहलवानों ने कल मीडिया के सामने कहा था कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दरअसल इस मामले को दबा रहे हैं। उन लोगों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के कहने पर ही पिछली बार 1 दिन का धरना अचानक खत्म कर दिया था। अनुराग ठाकुर ने उन लोगों को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बाहुबली भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था। यहां तक कि महिला पहलवानों ने PM मोदी को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन हुआ क्या? ब्रजभूषण सिंह पर ना तो BJP ने कार्रवाई की और ना दिल्ली पुलिस ने। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से डरकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज तो कर ली है, लेकिन ना तो अभी तक गिरफ्तारी की है और ना ही आरोपी सांसद से पूछताछ हुई है। विनेश फोगाट ने BBC से बात करते हुए कहा कि 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी शिकायतों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी से किया था। हालांकि विनेश के मुताबिक उन्होंने इस बातचीत में कथित यौन शोषण की बात नहीं की थी।
विनेश का दावा था कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद उन्होंने खेल मंत्री को और थोड़ा खुलकर बातें बताई, लेकिन बात ब्रजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर मामले को दबाने और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। संयोग से ब्रजभूषण भाजपा सांसद भी हैं। पहलवानों ने बताया कि आंदोलन शुरू करने से पहले और बाद उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों से मिलकर महिला पहलवानों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की शिकायत की, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक विनेश फोगाट ने कहा, हमने जनवरी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करने के बाद अपना विरोध समाप्त कर दिया था। उस समय सभी एथलीटों ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था। एक समिति बनाकर उन्होंने वहां मामले को दबाने की कोशिश की, उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट में अपना नाम जोड़े जाने का कड़ा विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि ऐसा गलती से हुआ था। उन्होंने कहा कि ईडी ने पत्र भेजकर उनसे खेद जताया और चूक मानी। उनका कहना है कि उन्हें ईडी की चिट्ठी मिली है, ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद जताया और कहा कि चार्जशीट में उनका नाम गलती से आया है। वहीं इस मामले को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। केवल गंदी राजनीति के तहत देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ये शोभा नहीं देता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने देश भर की संवैधानिक अदालतों में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की वकालत की। उन्होंने लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कहा कि हमें अदालतों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है, हम इसे लेकर बहुत उत्सुक हैं। 5 उच्च न्यायालय हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास तत्काल अनुवाद और प्रतिलेखन है। हमें भारतीय भाषाओं में सोचना चाहिए, सभी विदेशी भाषाओं को जानें, लेकिन विचार भारतीय होना चाहिए, चाहे आपने ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ाई की हो। यह उन्होंने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान है या नहीं, क्योंकि वे अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनकी फीस अधिक है। एक सामान्य मामले में आरोपियों को जमानत नहीं देने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सेशन जज को महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार उस जज को अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए जुडिशियल एकेडमी में भेजने के लिए कह दिया। दरअसल एक सामान्य मामले में आरोपियों को जमानत नहीं दिए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये बातें कही, जबकि 21 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि उसके आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में मजिस्ट्रेट का न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने कहा था कि ऐसा बार बार करने पर मजिस्ट्रेट को जुडिशियल अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा अप्रैल के उन 2 मामलों को कोर्ट के संज्ञान में लेकर आए जिसमें जमानत खारिज कर दी गई थी। शरद पवार के इस्तीफे के बाद आज मुंबई में अजित पवार के घर एनसीपी विधायकों की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में एनसीपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी यशवंत राव चौहान सेंटर पहुंचे हैं। बता दें एनसीपी के नेता लगातार शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब ये भी सवाल उठने लगा है कि अगर शरद पवार ने इस्तीफा वापस नहीं लिया तो पार्टी के कमान कौन संभालेगा। सूत्रों के अनुसार शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजित पवार और एनसीपी नेता जयंत पाटिल पार्टी अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं। व्यापक रूप से आर्टिफिशियल एजेंसी के गॉडफादर कहे जाने वाले एक व्यक्ति ने इस क्षेत्र में बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी देते हुए अपनी गूगल नौकरी छोड़ दी है। वह नई टेक्नोलॉजी के खतरों के खिलाफ आगाह करने के लिए गूगल से अलग हुए हैं। एआई सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी की नई नींव रखने वाले मशहूर साइंटिस्ट जेफरी हिंटन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इस सेक्टर में की गई प्रगति ने समाज और मानवता के लिए गहरा जोखिम पैदा किया है। सोमवार को पब्लिश आर्टिकल में उनके हवाले से कहा गया, देखिए 5 साल पहले ये टेक्नोलॉजी कैसा था और अब कैसा हो गया है, इसमें आए अंतर को देखिए, ये डरावना है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक बयान में गूगल से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें अब अपने काम पर पछतावा है। बता दें डॉक्टर हिंटन की डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च ने ही आज के पॉपुलर एआई सिस्टम की नींव रखी है। चैट जीपीटी जैसे पॉपुलर एआई बॉट्स तक का रिश्ता हिंटन ने खोजा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि चैट बॉट्स जल्दी ही इंसानी दिमाग की जानकारी से स्तर को
पार कर लेंगे। हिंटन ने कहा कि आप कल्पना कीजिए कि किसी रोज कोई बुरा शख्स रोबोट्स को अपने गोल्स क्रिएट करने की क्षमता दे देता है। हिंटन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वैज्ञानिकों को इसे तब तक और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक कि वे समझ नहीं जाते कि क्या वे इसे नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पत्नी हसीन जहां के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनकी पत्नी हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दहेज मांगने और विवाहेतर संबंध रखने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि मोहम्मद शमी के खिलाफ दायर आपराधिक मामला 4 साल से लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ दौरों पर सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध बनाए। बता दें मोहम्मद शमी इन सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं। मालूम हो कि हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने हसीन जहां और मोहम्मद शमी के बीच विवाद पर स्थानीय सत्र अदालत के फैसले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। सत्र अदालत ने मोहम्मद शमी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।